हेलो व्हाट्सअप गाइजेंट दिस वीडियो वी विल सी क्रिएट स्लाइस फंक्शन इन आरटीके तो गाइस क्या होता है ये क्रिएट स्लाइस फंक्शन हमारे रिडक्स टूल किट में चले हम उसको समझते हैं बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो गाइस आप देख सकते हो कि हियर वी हैव अ डेफिनेशन एंड देन की पॉइंट्स है ना ताकि आपके लिए एकदम ईजी हो जाए समझने के लिए तो आप देख सकते हो गाइस क्रिएट स्लाइस क्या है ये आपका एक यूटिलिटी फंक्शन है ठीक है दैट सिंपलीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रिडक्स स्लाइस ऑफ अ स्टेट गाइस आप यहाँ पे आपको ये जो स्लाइस वर्ड है ये थोड़ा सा खटक रहा होगा लग रहा होगा भाई ये स्लाइस कहाँ से आ गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर एग्जाम्पल लेट से जब आपकी बचपन में यू नो जब हम बर्थडे पार्टी करते थे तो एक केक पापा या मम्मी केक लेके आते थे एंड देन हम हमारे दोस्तों को बुला के क्या करते थे हम केक को स्लाइस अलग अलग उसके कट करते थे एंड हम एक एक डिस्ट्रीब्यूट एक एक दे देते थे राइट right, तो वो एक स्लाइस इवन पिज़्ज़ा अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो पिज़्ज़ा के भी स्लाइस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट राइट तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रहा है कि अगर हम स्लाइस करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी होता है राइट एंड समटाइम्स इट्स अप टू यू कि अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी जो थोड़ा ज़्यादा खाते हो उनको अगर थोड़ा ज़्यादा केक देना तो हम उनके हिस्से में थोड़ा बड़ा केक काट के उनको दे देंगे राइट right? अगर हम स्लाइस ना करें लेट्स से अभी मैं केक की बात कर रहा हूँ बर्थडे केक की एंड uh, लेट्स से आपने दस लोगों को बुलाया एंड सबसे फर्स्ट में ही एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत पसंद है केक है ना एंड अगर आप उसको केक का ऐसा डब्बा दे दोगे वो क्या अगर पूरा झप आधा से पता नहीं कितना ले लेगा ले फिर अब दूसरे को तो बेचारा जो एंड तक उसको मिलेगा नहीं ना कुछ तो कहने का मतलब ये कि अगर आप स्लाइस क्रिएट करते हो बेस ऑन कि किसका कितना एपेटाइट है कौन कितना कंज्यूम कर सकता है तो बहुत ईजी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो सेम यहाँ पर भी वही है फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो रिएक्ट की मदद से एंड लेट से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कितने सारे स्टेट होंगे आपके रजिस्ट्रेशन यूजर जब रजिस्टर कर रहा है उसका डेटा कहाँ रखोगे लॉग इन रजिस्ट्रेशन एक हो गया चलो ठीक है फिर प्रोडक्ट्स जो दिखाई देते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे उसका एक अलग स्टेट चाहिए होगा फिर यूजर्स uh, प्रोडक्ट uh, को एड टू कार्ट पे करा तो ऐड टू कार्ट के अलग से एक स्टेट होंगे तो इतने सारे स्टेट है तो बस आप ये समझ लो कि जो इतने सारे स्टेट में जो इंडिविजुअल जो एक एक टुकड़ा है राइट रजिस्ट्रेशन लॉगिन का एक अलग सा प्रोडक्ट का एक अलग सा एट टू कार्ड का एक अलग सा तो उसको आप यहाँ पे स्लाइस समझ लीजिए दिस इज इट यही आपके स्लाइस है एंड दिस स्लाइस मेक्स योर एंटायर ग्लोबल स्टेट आपका कंप्लीट स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बांटा है एंड इसलिए इन्होंने नाम स्लाइस दे दिया इतना ही आपको समझना है ठीक है देखो इट कम्बाइंस दी एक्शंस एंड देन रेड्यूसर्स इन टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट्स ठीक है हमने रिडक्स पढ़ा था वहाँ पे हमें एक्शंस अलग क्रिएट करने पड़ रहे थे हम एक्शन क्रिएटर्स अलग क्रिएट कर रहे थे एंड रिड्यूसर के अंदर ये सब था तो यहाँ पे सब कुछ आप समझ लो अब एक है क्रिएट स्लाइस एक अब एक ऐसा यूटिलिटी फंक्शन है जिसके अंदर आपके रिड्यूसर्स एक्शंस एक्शन क्रिएटर्स सब है ऑटोमेटिक है ठीक है सो आइए वही है मतलब जिससे अब आपका जो मैनेजमेंट एकदम स्ट्रीलाइम एंड ऑर्गेनाइज हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्लाइस इट्स एसेंशियली सेक्शन ऑफ द रिडक्स स्टेट अलॉन्ग विथ द एक्शन एंड द रिड्यूसर्स डेट ऑपरेट ऑन इट ठीक है अभी आपको पता चल जाएगा बट जब आप क्रिएट स्लाइस फंक्शन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर वी हैव दिस इनिशियल स्टेट आपके जो भी स्लाइस का इनिशियल स्टेट होगा ना राइट देन वी हैव अ रिड्यूसर डेट डिफाइन स्टेट चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू दी एक्शन एंड देन एन एक्शन क्रिएटर्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड बेस्ड ऑन दैट रिड्यूसर नेम तो अब ये क्या चीज है अब हम इसको आज इस वीडियो में समझते हैं बिलीव में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा लेकिन उससे पहले का इस अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक दोस्तों के साथ भर भर के शेयर जरूर कर दीजिएगा तो कल की वीडियो में तो मैंने आपको यह बताया था कि इन रिडक्स टूल किट हो यू कैन क्रिएट ए स्टोर विद द हेल्प ऑफ योर कन्फ्यूज स्टोर राइट इतना हमने देख लिया है एंड बेसिकली ये हमारा रिएक्ट वर्जन 19 टेंस टेक क्वेरी एंड देन जो रिडक्स है उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं देखो ना हमने पूरा रिडक्स में देख लिया अब उसी एप्लीकेशन को मैं आपको आरटीके की मदद से बता रहा हूं ठीक है एंड रिएक्ट प्लस रिएक्ट कोरी का प्रोजेक्ट भी हम देख चुके तो चेकआउट कर लीजिएगा सिंपल राइट तो देख लीजिए हाउ टू क्रिएट अ स्लाइस इन रिटेक्स टू गेट तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो क्रिएट स्लाइस मुझे लगेगा राइट एंड वी हैव दिस क्रिएट स्लाइस एंड द मोमेंट मैंने एंटर हिट की टॉप पे ये देखो क्रिएट स्लाइस को हमने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज दैट इज आवर आरटी के ठीक है अब ये आपका एक यूटिलिटी फंक्शन है ठीक है सो इट्स योर फंक्शन राइट बट इस फंक्शन के अंदर वी नीड टू पास एन ऑब्जेक्ट्स विथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज राइट जिसमें से आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपका नाम ये जो अब आप स्लाइस uh, क्रिएट कर रहे हो इसका कुछ तो नाम होगा लेट्स अगर आपको uh, रजिस्ट्रेशन के लिए करना होता तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख सकते थे एड टू कार्ट का होता तो आप एड टू कार्ट लिख सकते थे स्लैस का नाम बट इन आवर केस हम क्या करें हम तो बेसिकली uh, uh, क्या करें हम टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करें जहाँ पे हम बेसिकली टास्क को डील कर रहे हो राइट सो मैं मेरा नाम रख दूंगा यहाँ पे टास्क दिस इज़ इट ठीक है एंड इफ़ यू रिम्बर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम रिडक्स में काम कर रहे थे तब हम कुछ इस तरीके से एक्शंस क्रिएट कर रहे थे जिसमें दिस इज योर स्टेट एंड देन दिस इज़ योर इवेंट ठीक है टाइप जो भी है तो ये आपका स्टेट था डोमेन टास्क एंड देन उसमें मुझे ऐड करना है या डिलीट करना है तो कुछ वैसा समझ लीजिए मेन आपका ये है है ना स्लाइस का नाम देट इज टू टास्क देन वी नीड टू पास एन इनिशियल स्टेट इफ यू रिमेंबर दिस इज आवर इनिशियल स्टेट जिसमें अभी एक टास्क है एंड यहां पे ये जो डेटा ये आपका क्या है इसे एक एरे है ना तो इस तरीके से ये एरे का एक डेटा जिसको हम वन बाय वन यहाँ पे दिखा रहे सो आवर इनिशियल स्टेट मस्ट बी एन एरे राइट सो so, इस तरीके से हमने एक इनिशियल स्टेट बनाई एंड ये कर दिया अगर आपको इतना नहीं करना होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये भी कर सकते हो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इट्स टोटली अप टू यू ठीक है बट मैंने एक टास्क बना के रखा क्योंकि हमारे इनिशियल स्टेट बहुत कुछ हो सकता है राइट सो दिस इज आवर इनिशियल स्टेट एंड मैं यहाँ पे रख देता हूँ इनिशियल स्टेट इस तरीके से सी नाउ बोथ दी की एंड दी वैल्यू आर सेम बेसिकली बोथ द की एंड वैल्यू आर सेम दैन देर इज नो नीड टू राइट इस तरीके से आप डायरेक्टली सिंगल इस तरीके से लिख के छोड़ सकते हो तो ऑटोमेटिकली अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले जो लिखा था आप समझ गए वही है सो वी हैव आवर स्लाइस का नाम वी हैव आवर इनिशियल स्टेट एंड ना वी हैव वन रिड्यूसर फंक्शन ओवर ही ठीक है आप मेन रिड्यूसर भी कह सकते हो एंड इसके अंदर भी वी नीड टू पास एंड ऑब्जेक्ट अब इसके अंदर अब आप जो भी आ, प्रॉपर्टी uh, डिफाइन करोगे राइट right? वो आपका बाय डिफॉल्ट एक एक्शन क्रिएटर कहलाएगा दिस इज द ब्यूटी और लड़का इस फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था क्योंकि पता नहीं मुझे अजीब सा लगता है कि मैंने यार बोल तो दिया बट आपको पता नहीं चल रहा तो ऐसा होता था देखो हम पहले रिड्यूसर बनाते थे उसके अंदर स्टेट होता था एक्शन होता था है ना इनिशियल स्टेट तो यहाँ पे भी था फिर हम एक टास्क कर रहे देखो ये आपका एक्शन है ऐड टास्क अगर किसी को करना हो तो ये इम्यूटेबिट बेसिकली uh, हम डायरेक्ट म्यूटेट नहीं कर सकते डैट्स वाई हम कॉपी क्रिएट कर रहे थे ये हमने टाइप्स क्रिएट की फिर हम एक्शन क्रिएटर्स इस तरीके से क्रिएट कर रहे थे दिस इज योर एक्शन क्रिएटर राइट तो अभी हमारे केस में तो ये जो एड टास्क है ना इसको मैं कॉपी करूँगा एंड डायरेक्टली यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा एंड दिस इज इट एंड इस तरीके से ख़त्म तो ये देखो यहाँ पे ना तो अब आप आपको ये ना तो अब आप आपको इसकी नीड है ना अब आप आपको इसकी नीड है ये लाइक like सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो गया लाइक द मोमेंट आपने एक प्रॉपर्टी बनाई एक फंक्शन बेसिकली तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक एक्शन क्रिएटर बन गया है एंड इफ़ यू रिमेंबर उसके अंदर हम क्या करते थे एक रिड्यूसर के अंदर स्टेट एंड देन एक्शन होता था यहाँ पर भी सेम हुई है ठीक है यहाँ पर भी जब आप कोई भी रिड्यूसर क्रिएट कर रहे हो है ना तो स्टेट एंड देन एक्शन यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है एंड इस एक्शन के अंदर वो सारा डेटा हमें मिल रहा होता है ठीक है अब हम यहाँ पे जाएंगे तो जब भी कोई एड टास्क पे क्रिएट करेगा तब हमें क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे बट मेरा फिलहाल अभी एक एड टास्क बन के रेडी है मैंने कॉमा दे दी मुझे और क्या क्या करना है वी नीड टू डिलीट आवर टास्क तो डिलीट टास्क कुछ इस तरीके से था राइट right? तो मैं यहाँ पे आऊँगा ये देखो डिलीट टास्क ये ठीक है जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एक आईडी फिलहाल अभी हम देखना वो आईडी की भी मुझे जोतनी होगी एंड दिस इज़ आवर डिलीट टास्क दिस इज इट मैं यहाँ पे भी सेम वी हैव आई स्टेट एंड देन एक्शन में लिख के छोड़ दूंगा सो दिस इज़ इट तो ये है का आपका क्रिएट स्लाइस एंड अभी आपने ये जो बनाया इसको ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं नाम तो देना पड़ेगा ना अपना स्लाइस का जैसे यहाँ पर हमने रेड्यूसर फंक्शन क्रिएट की थी तो टास्क रेड्यूसर एंड देन इस तरीके से हमने दिया था तो सेम इसको कॉपी कीजिए यहाँ पर पेश कर दीजिए ठीक है इस तरीके से तो टास्क रिड्यूसर यहाँ पे है, तो है ही मैंने कल के वीडियो में दिखाया था ये बट आपका हो गया दिस इज योर स्लाइस जहाँ पे आपका स्लाइस का नाम आपका इनिशियल स्टेट एंड दिस इज योर रिड्यूसर्स एंड दिस इज योर रिड्यूसर्स प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट बेसिकली पास करना पड़ता है जहाँ पे अब ये एक एक इंडिविजुअल आपके एक्शन क्रिएटर्स है अभी तक एक्शन क्रिएटर्स बने नहीं है मैं आप, आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे ये सो लेट्स डू वन थिंग लेट्स कंसोल डॉट लॉग इ टास्क रिड्यूसर ठीक है थीके, perfect, थीके. तो यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ रॉन्ग है क्या टास्क रिड्यूसर ठीक है परफेक्ट ठीक है तो कंट्रोल एस सेव कीजिए यहाँ पे आइए इंस्पेक्ट कंसोल लेट्स सी या वी वी आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो चलो अच्छी बात है वी आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज नथिंग बट इसका हाँ ये जो टास्क रिड्यूसर अभी मैंने क्रिएट किया आखिरकार मुझे मिल के आ रहा है यहाँ पर है ना वो देखना जरूरी है सो वी हैव दिस एक्शेंस सी वी हैव दिस एक्शेंस एंड एक्सेंस के अंदर वी हैव दिस एड टास्क एंड देन वी हैव दिस डिलीट टास्क सो आप देख पा रहे हो एंड दिस इज नथिंग बट यू आर एक्शन क्रिएटर है देखो बाई डिफॉल्ट क्रिएट स्लाइस के अंदर आप जब भी रिड्यूसर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी आप पास करते हो वो बाई डिफॉल्ट आपका एक्शन क्रिएटर कहलाता है दिस इज योर एड टास्क दिस इज योर डिलीट टास्क है ना एंड नाम आप देख सकते हो रेड्यूसर पाथ रेड्यूसर बहुत बहुत औसम awesome है मैंने कहा ना अब आपको बस क्या करना है कि यहां पर जो मैं कुछ इस तरीके से एक्शन क्रिएटर्स को क्रिएट कर रहा था राइट right? इस तरीके से अब देखो ये सब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी मुझे अब मैं यहां पर क्या करूंगा सिंपल इस जगह पर आऊंगा कॉन्स्ट में डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं बाई दैट इज एड टास्क एंड वी हैव अ डिलीट टास्क विल बी इक्वल टू ये जो मेरा टास्क रिड्यूसर uh, है डॉट वी हैव दिस इज इट अक्सेंस और अक्शन इट्स योर एक्शन लास्ट में एक एक्स्ट्रा है देख सकती हो ठीक है सो या दिस इज इट सो द मोमेंट आप ये कर देते हो आपका काम हो गया सो नाउ दिस बिकम योर वॉट एक्शन क्रिएटर दिस इज इट सो क्या इस कितना सिंप्लीफाइड हो गया देखो ये एक्चुअल रिडक्स में आपको कितना पूरा का पूरा इतना कुछ है ना यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे इतना कुछ था बट यहाँ पे बस एक क्रेट स्लाइस में आपका ये चलो इसको इसकी भी कोई नीड नहीं है देखो इतने में आपका काम हो गया तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम राइट ऑल एट गैस तो कल अब आप मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे आप ये जो ऐड टास्क है एंड देन डिलीट टास्क वाला ये जो फंक्शनैलिटी uh, है उसको परफॉर्म कर सकते हो एंड मैं आपको करके बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ आर ओनली के देन उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम आर को रिएक्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पे हम डायरेक्टली मतलब यू नो रिएक्ट ऐप के थ्रू कैसे ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सो गाइस आर यू एक्साइटेड एंड Uh, थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आ रहा है तो का इस कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस वीडियो को फिर से एक और बार देखना एंड पहले तो आप कंप्लीट कीजिए सीरीज़ एंड उसके बाद जब आप वापस देखोगे तब आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है ठीक है सो या दिस इज़ इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही मैं ऐसा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए पसंद क्या नहीं आ रहा कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा एंड uh, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज सेवन लाख सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिलन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर